तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरह से कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह से कांग्रेस के सभी नेता ऐसी शक्ति बनेंगे जो देश की समस्याओं को सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। सोनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस के सामने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी हार नहीं मानी। सोनिया गांधी ने कहा कि आज मेरे सिर से भार उतर जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से राहत का एहसास हो रहा है। आज मैं बस यही कहना चाहती हूं कि सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूं। सच कहूं तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूं। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूं, राहत इसलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी, यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है।